आज से 20 वर्ष पहले 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। उसमें मेरी उम्र 10 से 11 वर्ष थी और हम सब इलाहाबाद के ओल्ड कैंट के क्षेत्र में क्रिकेट खेला जाया करते थे। मुझे आज भी मिलिट्री एरिया का वह दृश्य याद है कि जब वहाँ पर कोई जवान नहीं था, सारे जवान कागिल के क्षेत्र में युद्ध लड़ने गए थे। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब ठंड के समय भारतीय सेना ने उन क्षेत्रों को खाली कर दिया जहाँ पर रहने लायक कंडीशन नहीं बची थी। तब पाकिस्तानी सेना और उनसे जुड़े मुजाहिदीन उन चोटियों पर आकर बैठ जाते हैं। आईएसआई अधिकारी शाहिद अजीज के अनुसार इस की रणनीति उस समय बनाई गई जब पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ परवेज मुशर्रफ ने नियंत्रण रेखा पार करी और नियंत्रण रेखा पार करते उन्होंने यह रणनीति बनाया कि इन इन क्षेत्रों को हर ठंड में भारतीय सेना खाली करती है और हमें इन्हीं पर जाके कब्जा करना है। और ठंड के समय पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदीन ने उन चोटियों को कब्जा कर लिया। इसकी सूचना मिलती है एक चरवाहे के द्वारा जिसने आकर भारतीय सेना को यह बताया कि कुछ अवांछित व्यक्ति उस क्षेत्र को कब्जा किए हुए वहां पर बैठे हैं। तब भारतीय सेना ने 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत करी कि हमें उन क्षेत्रों को खाली कराना है जहां पर इस समय पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े हुए घुसपैठी आकर बैठे हुए हैं। इस घुसपैठ का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर को बाकी जगहों से अलग करना, जिसके बाद भारतीय सेना की सप्लाई कश्मीर तक नहीं पहुंच पाएगी और हम उस क्षेत्र पर भी जाके कब्जा कर लेंगे। लेकिन उन्हें भारतीय सेना के जज्बे का पता नहीं था। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठी 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए थे। उसके बाद भी भारतीय सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए शत्रु पर इतने गोले दागे कि वहां से उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक देश ने दूसरे देश पर इसी युद्ध में सबसे ज्यादा तोप के गोले दागे। 2.5 लाख से अधिक तोप के गोले दागे गए थे पाकिस्तानी सेना पर। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की जाती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अनऑफिशियली यह भी माना कि 1965 और 1971 से भी भयावह लड़ाई 1999 की थी। 3,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना के लोग इस युद्ध में मारे गए थे और उन्हें उन क्षेत्रों को खाली करना पड़ा जिन क्षेत्रों पर आकर उन्होंने कब्जा किया था। इस युद्ध का अंत किया भारतीय एयरफोर्स ने। MiG-29 और MiG-27 का प्रयोग करके उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया। पाकिस्तानी सेना ने भी अपने एयरफोर्स से मदद चाही लेकिन उनकी एयरफोर्स ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे पास सही सूचना नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय जवानों के जज्बे के द्वारा भारत ने उन क्षेत्रों को वापस से पाया जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तानी सेना ने गलत तरीके से कब्जा किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी कि हम नियंत्रण रेखा को पार नहीं करेंगे। भारत ने इस संधि का हमेशा सम्मान किया। भारत कभी भी नियंत्रण रेखा पार करके उस क्षेत्र पर नहीं गया और ना भारत ने कभी भी क्षेत्र को कब्जा करने के लिए किसी दूसरे देश पर युद्ध किया। भारत हमेशा शांति चाहता है और शांति के लिए ही प्रयासरत रहता है। लेकिन जब हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाएगा तो हम उसे लड़ेंगे ही नहीं, हम उसे जीतेंगे भी। और अगर वीरता की पहचान इस पूरे धरती पर कहीं करनी है तो भारतीय सेना में भारतीय जवानों को देखा जाए, वो वीरता के पर्याय हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर युद्ध गौरव ही नहीं देता, आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। भारत माता ने इस युद्ध के दौरान अपने 527 बेटों को शहीद होते देखा जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1300 से अधिक जवान इस युद्ध में घायल हुए। एक वीडियो में इस बातों को समझ पाना बहुत संभव नहीं हो पाता, शायद हमें वहां पर जाकर देखना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिन परिस्थिति में रहते हुए हमारे जवानों ने कारगिल युद्ध को जीता और ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल बनाया। ये कोई आम बात नहीं है। 18,000 फीट पर जहां पर हवा का दबाव पूरे तरीके से कम हो जाता है और मनुष्य अचेत अवस्था में पहुंच जाता है, वहां पर भारतीय जवान युद्ध लड़े और युद्ध लड़कर जीते। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर जैसे महान सपूतों ने
भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ पर हम भारतवासी अपने इन वीर सपूतों को शत-शत नमन करते हैं, शत-शत नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।